हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसोर जिला जालौर के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9 विषय गणित, अध्याय 14 सांख्यिकी, प्रश्नावली 14.2 के सवाल नंबर 8 और 9 आज आपको हल कराऊंगा। इसके पहले मैंने आपको सवाल नंबर 1 से 7 तक सॉल्व करा दिए हैं। आज हम सवाल नंबर 8 और 9 हल करना सीखेंगे। और सवाल की शुरुआत करने से पूर्व बच्चों, मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त हों और आप अपनी पढ़ाई को निर्बाध रूप से सुचारू रूप से जारी रख सके। तो देखिए बच्चों, हम आज की शुरुआत कर रहे हैं प्रश्नावली 14.2 के सवाल नंबर 8 से। देखो, आपकी बुक से मिलान कीजिए। आपकी बुक में लिखा है 30 बच्चों से ये पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी के प्रोग्राम देखे। प्राप्त परिणाम ये रहे हैं। देखो, मैंने आपको बोर्ड पे लिखे हुए 30 बच्चों का जो भी हमने सर्वेक्षण किया, उनसे पूछा गया कि आपने पिछले सप्ताह कितने घंटों तक टीवी देखे। तो पहले बच्चे से पूछा, उसने कहा 1 घंटा, दूसरे बच्चे ने कहा 6 घंटा, तीसरे बच्चे ने कहा 2 घंटे टीवी देखता हूँ, अंतिम बच्चा बोलता है मैं 12 घंटे टीवी देखता हूँ। इस प्रकार ये 30 बच्चों के आंकड़े हैं, राइट। अब देखो, इसमें हमको 2 सवाल याद करने। नंबर 1, वर्ग चौड़ाई 5 लेकर और एक वर्ग अंतराल को 5 से 10 लेकर, मतलब वर्ग चौड़ाई यानी अंतराल है 5 का, और पहला वर्ग अंतराल है ना 5 से लेकर 10 तक का हमको, और वर्ग चौड़ाई होगी 5, वर्ग चौड़ाई का मतलब अंतराल। तो वर्ग चौड़ाई 5 लेकर और एक वर्ग अंतराल को 5 से 10 लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। बच्चों, हमें इन आंकड़ों से एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, जो कि मैंने आपको अच्छी तरह सिखा रखी है। देखो, बताऊंगा अभी। देखो, इसका सवाल नंबर 2 क्या लिखा है, इसमें ये पूछा है कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविजन देखा है। अब देखो, इसकी अपन एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, हमारे सामने लिखा 5 से 10 पहला वर्ग अंतराल लेना है, ऐसा समझ में। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले घंटों की संख्या लिखना है, कौन बच्चा कितने घंटे टीवी देखते हैं, घंटों की संख्या, और इधर लिखना हमको बारंबारता। ये बनती वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। अब हमें पहला वर्ग अंतराल लेना है 5 से 10, ठीक है। अब देखो, 5 से लेकर 10 तक हो गया, अब 10 से शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें चौड़ाई कितनी होगी, ये हमारे देखो चौड़ाई होगी 5 से 10, 10 में 5 गया 5, यानी 5-5 का वर्ग अंतराल हो गया 10 को, यानी दीजिए 10, 5 जोड़ दीजिए 15, फिर 15 आ जाएगा 15 से लेके 20 तक। देखो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारे इसमें आपको ये देखनी है, हमको ये देखनी है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उसी के हिसाब से हमारा होगा सवाल, ठीक है। 5 से लेके 10, 10 से लेके 15, 15 से लेके 20। देखो, 0 से 5 तक लेना, सबसे पहले
शून्य से पांच तक, फिर पांच से दस, दस से पंद्रह, पंद्रह से बीस। इसका मतलब है ये शून्य से लेके हम कहां तक लेंगे, शून्य से चार तक की संख्या, इससे एक कम। शून्य से लेके चार तक की संख्या हम इसमें लिखेंगे, फिर पांच से लेके इससे एक कम कर देना नौ, क्योंकि ये दस यहां भी, अगर दस यहां भी आ गया ना तो हम इनमें से एक एक कम करेंगे और ये शुरुआत लेंगे। तो पांच से लेके नौ तक की संख्या इसमें लेंगे और दस से लेके इसमें पांच तक की संख्या लेंगे, चौदह तक की संख्या लेंगे और पंद्रह से लेके पूरे बीस तक की संख्या हम इसमें लेंगे। तो जीरो से लेके चार तक की संख्या हमें इसमें पांच शामिल नहीं करना है, ये पांच तो यहाँ पे आ गया और ये दस यहाँ पे आ गया और ये पंद्रह यहाँ पे आ गया। हमको कहां तक लेना, जीरो से लेके चार तक की संख्या की काउंटिंग करनी है, गिनती करनी है कितनी बार आई। तो जीरो से लेके चार तक की संख्या गिनती कर लो, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, दस संख्या ऐसी है जीरो से चार तक है, राइट। अब इसी प्रकार देखो, पांच से लेकर नौ तक की संख्या की काउंटिंग करेंगे हम, पांच से नौ तक, एक दो तीन चार पांच छ सात, सात के बाद में ये आठ, ये नौ और ये दस, तो हमारे पास आ गई दस आ गई, ठीक है। इसके बाद हम दस से लेके चौदह तक की संख्या की काउंटिंग करेंगे, दस से लेके चौदह, एक एक के बाद दो तीन चार पांच, ये पांच लिख देना है, ठीक है। अब पंद्रह से लेके पूरे बीस तक की संख्या की काउंटिंग करेंगे हम, देखिए पंद्रह से लेके बीस तक की काउंटिंग करेंगे हम, एक दो पंद्रह से लेके बीस तक की काउंटिंग करेंगे अपन, तो पंद्रह से लेके बीस घंटे तक कितने बच्चे टीवी देखते हैं उसकी काउंटिंग हमको करनी है। पंद्रह से लेके बीस के बीच में देखो, ये एक ये दो, यानी दो विद्यार्थी ऐसे जो पंद्रह या पंद्रह से अधिक घंटों तक टीवी देखते हैं, तो यह लिखना दो, ठीक है। अब इसको मिटा देना, ये आपको समझने के लिए लिखा है मैंने। तो जीरो से लेके चार घंटे तक तो कौन देख रहा है, यानी पांच घंटों से कम तक देख रहे हैं दस विद्यार्थी, और पांच से लेके नौ घंटे तक देख रहे हैं तेरह विद्यार्थी, दस से लेके चौदह घंटों तक देख रहे हैं पांच विद्यार्थी, और पंद्रह से बीस घंटों के बीच में दो विद्यार्थी ऐसे हैं जो टीवी देखते हैं। इनका कर देंगे योग, अब इनको जोड़ देकर कितना आना चाहिए, तीस आना चाहिए। देखो तीन पांच आठ और दस की शून्य, आशिर के एक, एक रे दो एक तीन, तो ये बन गई हमारी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। अब हमारे सवाल में ये पूछा है, दूसरा प्रश्न और है, देखो हमारा पहला हो गया, इसे दूसरा प्रश्न और पूछा है कि कितने विद्यार्थी दो घंटे पंद्रह घंटे से अधिक टीवी देखते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो हमारा प्रश्न है कितने विद्यार्थी सप्ताह में पंद्रह या पंद्रह से अधिक घंटों तक टीवी देखते हैं। तो देखो पंद्रह या पंद्रह से अधिक तो यही है, ये तो क्या पंद्रह से कम है, ये सब क्या पंद्रह से कम वाले हैं, और पंद्रह या पंद्रह से ज्यादा घंटे तक दो विद्यार्थी देखते हैं। तो कितने विद्यार्थी ऐसे जो पंद्रह या पंद्रह से अधिक घंटों तक टीवी देखते हैं, उनकी संख्या है दो। तो लिखेंगे दो विद्यार्थी सप्ताह में पंद्रह या पंद्रह से अधिक घंटों तक टीवी देखते हैं, ये इसका आंसर रहेगा।
तो बच्चों ने ये बना दिया वर्गीकरण बारंबारता बंटन सारणी और दो विद्यार्थी सप्ताह में 15 या 15 से अधिक घंटों तक टीवी देखते हैं। अब आप इसका एपिसोड ले लीजिए, मैं आपको सवाल नंबर 9 सिखा दूं। अब देखिए बच्चों सवाल नंबर 9 आपकी बुक से मिलान की जिसमें लिखा है एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल वर्षों में ये रहे हैं। देखो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये 40 बैटरियों के जीवन काल है यानी समय अवधि है वर्षों में कि कितने वर्ष तक बैटरी चल सकती है। हमारा प्रश्न यह है 0.5 माप के वर्ग अंतराल लेकर यानी चौड़ाई कितनी होगी 0.5 वर्ग अंतराल होगा 0.5 का अंतर प्रत्येक वर्गों के अंदर तथा अंतराल 2 से 2.5 से प्रारंभ करके इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए बच्चों। तो देखो हम बनाएंगे इसकी एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। देख के बना रहे हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है तो यहां तो लिखेंगे बैटरी का जीवन काल बैटरी का जीवन काल वर्षों में और इधर लिखेंगे अपन बारंबारता ठीक है। तो हमने पहले खाने में लिख दिया बैटरी का जीवन काल वर्षों में और दूसरे खाने में लिख दिया बारंबारता। तो पहले पहले हमको वर्ग बनाना है 2 से 2.5 तक। 2 से 2.5 तक और चूंकि वर्ग अंतराल कितने के लेना हमको 0.5 का। अब देखो ये 2.5 ही आ जाएगा इसमें 0.5 जोड़ देंगे तो ये कितना बच जाएगा 3.0 फिर ये 3 ही आ जाएगा और इसमें जोड़ देंगे 0.5 तो 3.5 बन जाएगा। फिर ये 3.5 हम यहां लिखेंगे इसे जोड़ देंगे 0.5 तो 4.0 आ जाएगा। ये 4.0 में जोड़ देंगे 0.5 तो 4.5 आ जाएगा। अब ये 4.5 यहां आ जाएगा इसे जोड़ देंगे 0.5 तो ये बन जाएगा 5.0। हमारे पास जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये हमको देखनी है। यहां 4.1 ये 4.6 अभी तक 4.6 है ये हमारे पास फिर 4.6 है अर्थात सबसे बड़ी संख्या 4.6 इनके बीच में है। इस प्रकार आपने वर्ग अंतराल बनाना है। हमारे सवाल लिखा है पहले वर्ग अंतराल आप 2 से 2.5 का लीजिए बाकी वर्ग अंतराल 0.5 के हिसाब से वर्ग अंतराल बना दीजिए तो कितने बनेंगे हमारी बड़े संख्या देखो 4.6 है ये तो ये किसके बीच में आएगी 4.5 के बीच में आएगी। अब आपको याद रखते हुए क्या करना है तो देखो 2.0 तो 2 से लेके हमको इसमें क्या लिखना है 2 से हमको लिखना है 2.4 तक की संख्याएं इसमें लिखना है 2.9 तक की संख्याएं और इसमें लिखना है 3.4 तक की संख्याएं इसमें लिखना है 3.9 तक की संख्याएं और इसमें लिखना है 4.4 तक की संख्याएं और इसमें लिखना है पूरी की पूरी हमको ठीक है। तो सबसे पहले 2 से लेके 2.4 तक की संख्या की हम गिनती करेंगे बच्चों देखो 2 से लेके 2.4 तक यानी 20 से लेके 24 तक 20 से लेके 24 तक देखो कहां है ये 2 संख्या ऐसी है इनके बीच में तो 2 लिख दीजिए आप
अब देखो मेरे पास में ये 20 से लेके कहां तक हमारे पास, जैसे ए हमारे पास में अब आएगा 2.4 से लेके 2.9 तक, ये 2.4 से लेके 24 से 29 तक की संख्या। तो 24 से 29 तक देख लो आप, कहा 24 का मतलब 2.4, 24 से 29 तक देख लो आप, एक दो तीन चार और देख लो एक बार, एक दो तीन चार पांच छह, ये छह संख्या है। अब हमको क्या लेना है यहाँ पे, तीन से लेके लेनी हमको कहां तक, 3.4 तक की संख्या, यानी इसका मतलब 30 से 34 तक की संख्या, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह संख्या हमारे पास में, तो यार 14 ले दीजिए आप, राइट। अब हमें लेनी कितनी, 3.5 से 3.5 से 3.2 करो 35 से 39 तक की संख्या काउंट करेंगे, 35 से 39, ये एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये नौ ये दस और ये ग्यारह, ये 11 संख्या ऐसी है जो हमारी आगे 35 से 39 यानी 3.5 से 3.9, ठीक है। अब हमें 40 से 45 मतलब 4.0 से 4.5 40 से 45 देख लो आराम से आ रही में, ये एक दो ये तीन ये चार और देख लो हमें 40 से 45 के बीच की संख्या यानी 40 से 44 तक की संख्या काउंट करनी हमको, एक दो तीन और ये चार, चार संख्या क्या हमारी 4 से लेके 4.5 तक की है। इसके बाद जो बच गई 4.5 से 5 तक यानी 45 से 50 तक की संख्या गिनती कर लो, एक दो तीन, तीन संख्या वाली है। तो तीन संख्या वाली क्या बच्चों, 4.5 से 5 के बीच में आएगी। अब हम क्या करेंगे इसका योग करके देखेंगे, बस हमने 2 से लेके 2.4 तक ये ले ली 2 संख्या, 2.5 से 2.9 तक 6 संख्या, 3 से लेके 3.4 तक की 14 संख्या, 3.5 से 3.9 तक की 11 संख्या, 4.0 से 4.4 तक की 4 संख्या और 4.5 से ये 5 तक की संख्या हमारे पास 3 है। इनका योग करेंगे 2 से 8 4 12 13 4 17 3 20 से 0 8 के 2 2 और 1 3 3 और 1 4, ये कुल आंकड़े हमारे पास कितने थे 40 थे। तो इस प्रकार ही हमने क्या बना ली, एक वर्गीकृत बारमार्दा बंटर सारणी बना ली, जिसमें हमने चौड़ाई या वर्गमाप क्या ली है, हमने वर्ग माप लिया 0.5। तो बच्चों इसके साथ ही आज हमारी प्रश्न 14.2 कंप्लीट सोल्व हो गई है। इसके बाद आगे के प्रश्न 14.3 हम कल के वीडियो में सीखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।